स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैंसी। आज उस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईशा देओल को लेकर। ईशा देओल और भरत तख्तानी का तलाक हो गया, वो सेपरेट हो गए 12 साल के बाद। उनकी कहानी जो है कुछ इस तरीके से, उस कहानी का दी एंड हो गया। किसी ने ये सोचा ना था, क्योंकि इनकी जो लव स्टोरी है वो स्कूल टाइम से शुरू हुई थी। हालांकि दोनों ही अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, मगर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के दौरान भरत तख्तानी और ईशा देओल की मुलाकात हुई थी, जहाँ से दोनों के बीच जो है पहले दोस्ती हुई और उसके बाद वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। उसके बाद 10 साल का गैप रहा जब भरत तख्तानी बाहर चले गए, और मगर भरत तख्तानी कहीं ना कहीं अहाना देओल से टच में थे, जो ईशा देओल की बहन है, तो सारी जानकारी ईशा से रिलेटेड उन्हें मिलती रहती थी। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को कई लंबे समय तक डेट किया और फिर शादी करने का फैसला लिया। अब ऐसे में जहां पर भरत तख्तानी और ईशा देओल अलग हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं देओल परिवार से खूब रिएक्शंस अब सामने आ चुके हैं। फैंस पहले इंतजार कर रहे थे कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र कब रिएक्शन देंगे, तो ऐसे में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का रिएक्शन सामने आया। मगर अब आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिरकार भरत तख्तानी की माँ यानी कि पूजा तख्तानी, जो ईशा देओल की एक्स सास थी या फिर सास हुआ करती थी, उन्होंने ईशा देओल को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ईशा देओल का अपने ससुराल में कैसा जो है उनका व्यवहार था और कैसा एक बॉन्ड था उनका अपने ससुराल में और कैसी चीजें थी। तो आज सब चीज की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, और पूजा तख्तानी ने क्या कुछ कहा है ईशा को लेके, आप देखिए हमारा ये बेहद ही खास प्रोग्राम। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर देखा गया है कि कहीं ना कहीं चीजें जो है सितारों के बीच कुछ सालों के बाद जाके खराब हो जाती हैं। कई बार ही देखा जाता है कि जो है जो खूबसूरत सा कपल, अक्सर एक कपल गोल शेयर करता हुआ इस इंडस्ट्री में दिखाई पड़ता है, वही कपल जो है कहीं ना कहीं उसकी कहानी जो है एकदम से बिगड़ जाती है। अब कुछ ऐसा ही मंजर है भाई हाल ही में ईशा देओल और भरत तख्तानी को लेकर। आपको जानकारी दे दें कि भाई ईशा देओल और भरत तख्तानी जो हैं जहां पर अलग हो चले हैं, तो वहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इनकी अलग हो जाने के बाद कई तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कई तरीके की चीज़ें भी कही जा रही हैं। कई लोग भरत तख्तानी को गलत बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग यहाँ पर ईशा देओल को गलत बताते हुए भी दिखाई पड़े। तो अब ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि भाई आखिरकार पहली चीज़ है कि ईशा को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल ईशा देओल को लेकर कहा जा रहा है कि भाई ईशा कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव थी। जी हाँ, भरत तख्तानी को लेकर ईशा देओल काफ़ी पॉजेसिव थी, और कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें रही उनके सेपरेशन की, और कहीं ना कहीं यही कुछ चीज़ें हैं जिससे बताया जा रहा है कि सेपरेट होने की वजह बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि भरत तख्तानी जो है ईशा देओल को धोखा दे रहे थे। आपको जानकारी दे दे कि भरत तख्तानी ईशा देओल को डिच कर रहे थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि भरत तख्तानी का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ईशा देओल के सामने जब आया, तब कहीं ना कहीं रिश्ते और भी बिगड़ गए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई भरत तख्तानी ईशा देओल मुंबई के ही जो है मुंबई में अपने परिवार के साथ, अपने सास ससुर के साथ ईशा देओल रहती थी, तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ईशा देओल का अपने ससुराल वालों के साथ कैसे संबंध थे। आपको जानकारी दे दे कि बताया जा रहा है कि ईशा देओल के रिश्ते अपने ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छे थे, सास जया और अपनी ननद के साथ उनके रिश्ते बताए जा रहे हैं कि बहुत अच्छे थे। हालांकि एक सिंधी परिवार में जो है ईशा देओल गई थी, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें
जो है इनको दिक्कत रही, क्योंकि जो है जब आप शादी करके ससुराल जाते हैं तो वहाँ के तौर तरीके, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपको अडेप्ट करने पड़ेंगे। मगर हाँ, अगर आप सिंगल हैं तो आप जैसे चाहे रह सकते हैं। मगर ये अपनी सास ससुर के साथ ईशा देओल बताया जा रहा है कि रह रही थी तो शॉर्ट्स पहन के वो घर पर नहीं घूम पाती थी। और ये कहीं ना कहीं लाजमी भी है कि कई परिवारों में बहुओं को उतनी इजाज़त नहीं दी जाती है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि भाई जो सास है वो आपको जानकारी दे दें कि ईशा देओल को अपने बेटे की तरह मानती थी। जी हाँ, सास का एक बड़ा जो है खुलासा हुआ है कि ईशा देओल के साथ उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे थे और वो अपनी बहू को अपने बेटे की तरह ही मानती थी। उन्होंने कभी भी ईशा देओल को भरत तख्तानी को लेकर जो है खाना बनाने को लेकर भी कभी नहीं कहा। और जो है ईशा ने अपनी बुक में भी ये बात मेंशन की है कि जो है ईशा देओल के परिवार वाले जो है उनके यहाँ पर जो उनके ससुराल में कल्चर है कि जो पत्नियाँ हैं अपने पति का लंच पैक करती हैं, तो कभी भी ईशा देओल ने ऐसी चीज़ें नहीं की हैं और ना ही सास की तरफ से कभी भी ऐसी चीज़ें करने को लेकर कहा भी गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ये साफ तौर पर जाहिर हो रही हैं कि परिवार की तरफ से तो कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं थी, ना तो सास की तरफ से और ना ही जो है बताया जा रहा है कि ननद की तरफ से। जो भी दिक्कत और जो भी परेशानी रही है वो कपल के बीच में आपसी परेशानी ही बताई जा रही है। रिश्ते के 12 साल के बाद कोई ज़्यादा पोजेसिवनेस किसी को लग रही है किसी की, तो वहीं कहीं किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी सामने आ रहा है। हालांकि क्या वजह रही है ये तो अभी तक सामने नहीं आई है, मगर जिस तरह से चीज़ें बताई जा रही हैं वो जानकारी हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।